तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आज का थंबनेल और टाइटल देख के आप सबको पता चल गया होगा, आज मैं आप सबको MSI का स्मूथ लाइट वर्जन, सबसे जो लो एंड PC में बहुत अच्छा वर्क करता है, उसके साथ साथ फ्री फायर एक्सेसरीज प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पर जो भी है लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लास्ट भी करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनका भी लाइफ फिक्स हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो लिंक दी जाएगी आपने उस पर जाकर क्लिक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोगों ने क्लिक टू गो टू लिंक करना है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले जाना है जी सब्सक्राइब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सारे वही कर लेंगे लाजमी से। ये हो गया, उसके बाद आप लोगों ने एक स्टेप चले जाना है बैक। बैक जाने के बाद गेट योर लिंक पे क्लिक करेंगे। गेट योर लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों ने फिर गेट टू योर लिंक पे क्लिक कर देना। गेट टू योर लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने सिंपली से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड एनिमी का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने सिंपली से इसको डाउनलोड एनिमी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। जैसा कि ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा एक्स्ट्रा पेपर आवा है। अब आप लोगों ने इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब बातें इसके लाइफ की तरफ, तो सबसे पहले आप लोगों ने नीचे सर्च बार में लिखना है बैकग्राउंड ऐप। ये चीज़ बंद होनी बहुत जरूरी है, सबकी चीज़ इस तरह ऑन होगी, सारी फजूल में आप लोगों का सर्विस डाटा ही ले लेंगे, इसको आप लोगों ने बंद कर देना है। तो सिंपली से वापस जाएंगे, अब हम लोग विंडोज सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी में ये लोगों की कुछ कुछ तीन चार चीज़ें आना होती हैं, सबको बंद कर देना है। ये चार जितनी भी चीज़ें हैं सबको बंद कर देंगे। उसको वापस जाएंगे, अब चलते हैं हम लोग MSI के अंदर, जो सेटिंग है सारी वो बताता हूँ मैं आपको। आप लोगों ने अपना MSI फर्स्ट टाइम MSI ओपन करने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज चलते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप लोगों ने इसकी कंपैटिबिलिटी में जाना। कंपैटिबिलिटी में जाने के बाद सबसे पहले इधर कुछ नहीं करना, चेंज सेटिंग्स फॉर ऑल यूजर्स। अब डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, चेंज हाई डीपीए सेटिंग में जाके इस पर जाके इसको ऑफ, और इसके बाद ओवरराइड हाई डीपीए को क्लिक करके इसको सिस्टम इनहेंस पर करके ओके अप्लाई ओके एंड ओके। और अगर ये प्रॉपर्टीज को छेड़ने के बाद आप लोगों का मतलब कि कोई मसला आता है, इमुलेटर ऑन नहीं हो रहा हुआ, तो आप लोगों ने उसको दोबारा से वैसे ही कर देना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो खुद ही हो जाएगा क्योंकि मैंने वैसे रखवा दिया। ओपन करेंगे सबसे पहले तो चैनल पे जो बनी है लाइक और सब्सक्राइब लाजमी, और अभी तक जिस पर लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी मस्त लाजमी से करना है। वीडियो को लाइक तो पहले पहली दफ़ा जब ओपन होगा आप लोगों ने सबसे पहले जो दो तीन सेटिंग करते हैं वो देख लेते हैं। आप लोगों ने इसके जाना है एंड्रॉयड सेटिंग में, एंड्रॉयड सेटिंग में जाने का सबसे पहले आप लोगों ने इसके जाना है यहाँ पे ऐप्स में जाके इसको कर देना है। यहाँ से प्ले स्टोर होगा, इसको करना है पहले फोर स्टॉप ओके कर देना, उसके बाद डिसेबल कर देना। डिसेबल करने के बाद आप लोगों ने बैक आना है, आप लोगों ने एक स्टेप और बैक आना है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सेसिबिलिटीज में जाके अपना ये जो है ये आपका ऑफ होगा, आप लोगों ने ऑन करके ये आपका इधर होगा, आपने इसको उठा के इधर बैक ले आना है। और उसके बाद जो है टच एंड होल्ड डिले, इसको आप लोगों ने कर देना है स्टार्ट। बस ये था इधर का एंड्रॉइड सेटिंग। उसके बाद चलते हैं जी इमुलेटर की सेटिंग। इमुलेटर की सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्प्ले आपके मुताबिक सेट होगा। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो मेरी एडवाइस यही है कि सबसे कम रेजोल्यूशन पे खेला जाए। और तो DPI आपकी मर्जी, मैंने 440 वो BS3 का से मैंने हाई किया। अगर आप लोगों को इस पर वीडियो चाहिए वो भी एक अलग वीडियो आ जाएगी, आप कमेंट कर सकते हैं इसकी DPI हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो यही मैंने आपको बताया कि आपके मुताबिक आप जो सा डिस्प्ले रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ग्राफिक कार्ड, अकॉर्डिंग टू योर इंटेल एसटी ग्राफिक जो भी हो उसके मुताबिक, जिसमें आपको 6 FPS मिल रहे हैं आप उसके मुताबिक रख सकते हैं। अब असल चीज़ आती है इंजन, इंजन में जैसा है वैसे रहने देना। इसको नहीं छीने के सबसे काम आता है हम लोगों का कोड परफॉर्मेंस पर। आप लोगों ने अगर आपके हाई कोर्स मतलब कि 4 कोर्स हैं या बढ़िया 2 कोर है तो आप लोगों ने कोशिश करना है, अगर 4 कोर है तो 3 दें, और अगर 2 कोर हैं तो 2 पूरे देने पड़ेंगे, ठीक है। और रैम हमेशा हाई रखेंगे, अगर 2 GB रैम है 2 दे देगा, 4 GB 4 दे देगा, इनफ है तब भी 4 GB दे दो, उससे ज़्यादा सिमुलेटर में देख ही सकते हम लोग। और उसके बाद याद रखना है जब भी आप लोगों ने इमुलेटर डाउनलोड कर लेना, आप लोगों ने इसको 90 FPS करके एक दफ़ा दोबारा रिस्टार्ट करके फिर 240 करते हैं। जैसे कि मेरा 290 FPS पे था, मैं इसको 240 कर दूंगा, ये मेरे हाई FPS ऑन हो गया। आप लोगों ने जैसे इधर ऑन कर लेने हैं, अगर हाई FPS आप लोगों को MSI का नहीं करना था तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों ने बस कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले किसी को नहीं समझ आती। तो उसके बाद सबसे पहले उसके बाद जाना आप लोगों ने एडवांस में जाके, जो ये होगा आप लोगों का 1+5 पे सिलेक्ट, आप लोगों ने इसको पकड़ना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करना है और इसको ASUS ROG 2 सेलेक्ट करके ओके कर देना, सेव हो जाएगा। और ये बोर्ड में देख सकते हैं यू आर ऑन द लेटेस्ट वर्जन, मतलब इसके बाद इसका काफ़ी वर्जन है, लेकिन हम लोगों को ये बता रहे हम लेटेस्ट वर्जन पे, लेकिन ये काफ़ी पुराना वर्जन है और लो एंड PC पे तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आप लोगों ने सारी सेटिंग कर लेनी है, अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है। उसके बाद में आप लोगों ने लाजमी से डाउनलोड कर लेनी है फ्री फायर एक्सेसरी थी, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की होगी, आपने भी इसको ओपन करके इधर इंस्टॉल हो जाएगी, तो करीबन 1 मिनट या 2 मिनट लेगी और इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसी पर प्ले करने, गलती से भी प्ले स्टोर की आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करनी,
डाउनलोड करेंगे तो उसके वो होता है 64 बिट, थोड़ा वो बहुत लैग देता है लो एंड पीसी में और हाई एंड पीसी दोनों में ही लैग देता है। इसलिए हालांकि मेरा पीसी भी अच्छा लगे, मैं फिर भी x86 ही यूज़ करता हूँ। सारे जितने भी यूट्यूबर हैं सारे के सारे x86 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन पीसी के लिए बनी ही x86 और ऑप्टिमाइज, क्योंकि ऐप होती है फ्री फायर की प्ले स्टोर के न्यूज़ पर। तो उम्मीद है कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर जो भी नया लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लाजमी कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनका भी लाइफ फिक्स हो सके। और यही याद से जब भी आप लोगों ने इमुलेटर बंद करना है इसको 90 FPS कर दें, और जब अगली दफ़ा 240 कर देंगे तो आपको 240 FPS अप्लाइड हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। कि डिस्कॉर्ड इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करके कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट एक प्यारा सा लाजमी कर दें।